अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। एक्सक्यूज माय हालत, क्योंकि मैं अभी जा रही थी यूनिवर्सिटी, सो आई थॉट कि मेरे पास 10 से 15 मिनट है, तो मैं क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ कि मैं किस तरह से रेडी होती हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियोज ना आप लोगों को अच्छी लगती हैं। और आप लोगों में से इतने लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे कि गेट रेडी विद मी यूनिवर्सिटी टाइप की वीडियोज प्लीज बनाती रहा करें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, देख के बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा चलो आज हम जेन्युइनली जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो फिर हम रेडी हो जाते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है, तो जल्दी से मैं पहले ड्रेस चेंज कर आती हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ड्रेस जो मैं पहनने लगी हूँ ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर जो है ना, कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन ये बहुत ही सिंपल और प्लेन सा ड्रेस है, और कलर इसका बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा सा है। इन पीच पिंक कलर का ड्रेस है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन है। एंड अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा हाउ मच आई लव प्लेन ड्रेसेस, ठीक है, सॉरी। अच्छा, नीचे से जो है ना, वो कुछ इस तरह का ये दिखता है। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के ड्रेसेस देखे होंगे, क्योंकि बहुत ट्रेंड में है, बहुत इन है। और इसके साथ बहुत ही सिंपल सा ट्राउज़र है। बाकी मैं पहन के आपको दिखाती हूँ इसकी स्लीव्स की डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स। अच्छा जी, तो ड्रेस मैं चेंज करके आ गई हूँ। बहुत ही खूबसूरत और कम्फर्टेबल सा ड्रेस है, ठीक है। इसके स्लीव्स कुछ इस तरह के हैं। आई लव दीज इलास्टिक वाली स्लीव्स। ये जहाँ इनको टिकाओ ना, वहाँ ये आराम से टिक जाती है, हिलती भी नहीं है अपनी जगह से। और आप फिर जो वॉच और जो भी आपने ब्रेसलेट वगैरह पहनने हैं ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो जब भी अगर कभी कोई प्लेन ड्रेस खुद भी बनवाना हो ना आपने, तो कोशिश करना कि एक दो ड्रेसेस की इस तरह की स्लीव्स रख के देखो, बहुत बहुत पसंद। पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ निर्वाना बोटैनिक्स का ये टोनर, बहुत कमाल की चीज़ है। इसको मैं हल्का सा अपने फेस पे स्प्रे करूंगी एंड देन थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से फेस पे ड्राई हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट मैं यूज़ करूंगी वो है सनस्क्रीन, ठीक है। कोई भी अच्छी सनस्क्रीन आपने लाजमी यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है और बहुत गर्मी और बहुत धूप होती है, और चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, आपको सनस्क्रीन नहीं स्किप करनी। अगर आप सनस्क्रीन लगाना छोड़ देंगे या नहीं अप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपको इतना सन टैन क्यों हो रहा है, या सन बर्न क्यों हो रहा है, या आपकी स्किन इतनी ख़राब क्यों हो रही है, ठीक है। मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो है बीबी क्रीम नोट की, ये जे डॉट्स आपको मिल जाएगी। बिल्कुल थोड़ी सी मैं यूज़ करूँगी, इसका इतना खूबसूरत टिंट आता है। ये फुल कवरेज नहीं है, अगर आपके पिंपल्स के निशान है या कोई स्कार है फेस पे, तो इसको हाइड नहीं करेगी, क्योंकि ये फुल कवरेज नहीं है। बट ये एक हल्का सा टिंट, हल्का सा ग्लो आपको प्रोवाइड करेगी, जिससे आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस लगती है। तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेके जो है अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बहुत होती है, मतलब थोड़ा सा आप इसको अप्लाई करो ना, इसका टिंट आ जाता है। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने पूरे फेस पे, हाथों से ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मेरे पास ब्रश ब्लश ब्रश ब्रश नहीं है। देखो, जब देर हो रही होती है ना, तो मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे पास ब्रश नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा लगा दी मैंने, यही होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। कभी भी नहीं होती मेरे से ऐसी वीडियोस इंस्टेंट टाइम पे रिकॉर्ड, हमेशा एक दिन पहले या एक दिन बाद में मैं कर रही होती हूँ। आज मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। लेकिन अब इसके बाद जो है ना, मैं यूज़ करूँगी ये वाला ब्लश नार्स का, ठीक है। आप टिंट भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो प्रोडक्ट पसंद है वो आप चीक्स पे कर सकते हो। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो है क्रीम ब्लशेस या फिर टिंट करो, ठीक है, क्योंकि पाउडर ब्लश है ना, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है फेस से, ठीक है। बहुत ज़्यादा लगा दिया, बहुत ज़्यादा लगा दिया मैंने तो। अच्छा जी, तो मैंने जो है ना वो ब्लश अप्लाई कर लिया, बस इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि बहुत ज़्यादा ना लगे और बहुत बिल्कुल स्किन जो है ना वो पेल भी ना लगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है आईब्रोज, आईब्रोज फिल करना मत भूलो। बस आपने अपनी चीक्स पे काम कर लिया, उसके बाद हम आईब्रोज पे करेंगे एंड दैट्स इट। फिर थोड़ा सा टिंट मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी एंड आई एम गुड टू गो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ना, मतलब मुंह धोए बगैर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो आईब्रोज मैंने अपनी जो है ना वो कर ली है सेट। अब इसके बाद मैं सिर्फ मस्कारा अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहते हो ना कि मतलब आपके बाल डैमेज ना हो, आप ये चीज़ें भी यूज़ करते रहो, तो कोशिश करो कि कम चीज़ें लो लेकिन अच्छी हो, थोड़ी महंगी वाली ले लो, ताकि बाल ख़राब ना हो। कर्लर लेना और वो क्रैम्पर लेना, और पता नहीं मैं सही बोल भी रही हूँ कि नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ है, ठीक है, इतना सबको जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक अच्छा स्ट्रेटनर ले लो, अच्छे स्ट्रेटनर पर इन्वेस्ट कर लो, और एक इस पर ले लो, क्योंकि सर्दियों में इसके बगैर नहीं गुजारा भाई।
काफ़ी जो है ना इसके सीन्स अच्छे हैं, और स्ट्रेटनर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसकी नस्बत, लेकिन यह है कि एक बार ही ख़रीदनी होती है चीज़, बार बार तो लेनी नहीं होती, तो बाल भी बच जाते हैं, ख़राब भी नहीं होते, और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं ये चीज़ें भी यूज़ करी होती हूँ। अच्छा जी, इतने जो है ना वो ड्राई हो चुके हैं, बाकी रस्ते में हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बालों का ना यही मसला है, जब तक इनको सही से ड्राई नहीं करो ये होंगे नहीं। असू में सख्त किस्म का दर्द हो रहा है, एक तो बुढ़ापा इतनी जल्दी आ गया, रोज़ रात को सो और सुबह उठो एक नया दर्द, कभी बाजू में बल पड़ गया, कभी गर्दन में, कभी टांग में, कभी कमर में, तो बस इतना ही हो सकता था, बाकी खुद ही ड्राई हो जाएंगे रस्ते में जाते जाते। अभी जूते निकालती हूँ, इसके साथ आएगी, इस खुद से पहन लेती हूँ, खुद से पहनती हूँ और साथ ज्वेलरी निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो जी, बालों पे मैंने कर्ल्स डाल लिए हैं क्योंकि ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे, सो आई थॉट के जहाँ इतनी देर होगी वहाँ थोड़ी देर से ही, तो फ़ौरन से 5 मिनट इजी लूज कर्ल्स मैंने डाल लिए हैं। अब ज्वेलरी पहनूंगी, ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पर ये गोल्ड हुप्स इस तरह के जो हैं चूज़ किए हैं, एक सेकेंड, तो ज्वेलरी जो है ना उसके लिए मैंने ये गोल्डन हुप्स इस तरह के चूज़ किए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं पहन के, और ये मैंने दराज से लिए थे सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ की आई थी, और ऐसे ही मैंने पता किए थे काफ़ी अच्छे ब्रांड पे 1100 रुपीज़ के मिल रहे थे। सो अगर तो ये पहनूंगी मैं, उसके बाद ये वॉच है, ठीक है, वॉच बहुत एलिगेंट लगती है, आप कुछ मत पहनो, कोई ज्वेलरी पीस ना पहनो, कोई इयररिंग्स, कोई चेन, कुछ भी ना पहनो, कोई रिंग इवन ना पहनो, लेकिन आप जो है ना वो इस तरह की एक दो वॉचेस ले लो, बहुत प्यारी लगती है। आप लोगों को याद होगा मेरी एक गोल्डन कलर की बहुत पहनी है मैंने वॉच, और हर किसी ने मेरे से पूछा वो कहाँ से लिया आपने, कहाँ से लिया, और जबकि वो बहुत पुरानी है और तो मुझे याद भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो चेंज कर लेते हैं, तो मैंने जो है ना अब ये वाली ख़रीदी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ट्रेंड में है, हर किसी ने पहनी होती है, आपने देखा होगा लोगों को पहने हुए, तो ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब वॉच से ना आपकी लुक एकदम एलिगेंट, पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट लगती है, तो चाहे कुछ पहनो ना पहनो, चाहे आप वाया पहन रहे हो, चाहे आप निकाब कर रहे हो, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आपको हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू वेयर दिस वॉच, ठीक है, इस तरह की पहन लें, या फिर कोई भी जो आपको डिसेंट लगे, अच्छी लगे, एक वॉच लाजमी लेनी है आपने। तो ये है मेरी फाइनल लुक, आई होप कि मैं थोड़ी बहुत प्रेजेंटेबल लग रही हूँ, बाकी खुशबू इज़ मस्ट, परफ्यूम आपने ज़रूर लगाना है, चाहे थोड़ा सा लगाएं, चाहे जो है ना ज़्यादा लगाएं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लाजमी लगाएं ताकि अच्छी खुशबू एटलीस्ट आपके साथ आती है। अभी मैं बैग पहन के आती हूँ, और जूते इसके साथ आई थी, मैं खुद से पहनूंगी, और हाँ बस बैग पहन के आती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी बैग, इसके बारे में सब इतना पूछ रहे थे, इवन इंस्टा पे मुझे इतने DMs आ रहे थे कि बैग आपने कहाँ से लिया, बैग आपने कहाँ से लिया, तो ये मैंने जहाँ से लिया था, लाइक दराज से मैंने लिया था, इसका लिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था, वहाँ चेक कर लेना, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत एलिगेंट बैग है, इस तरह का बैग अगर आपको पसंद है ना, तो आई थिंक ये बहुत न्यू स्टाइल और बहुत मज़े का बैग है। ये जी मेरी फाइनल लुक, आई होप कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत जल्दी में थी मैं और मुझे बहुत देर हो रही थी, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया, और आई डोंट नो मैं इसको अपलोड करूँगी नहीं करूँगी, बट आई होप कि मैं इसको करूँ पोस्ट, क्योंकि ठीक लग रही होंगी, आई डोंट नो, अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी लगूँ, बट जल्दी जल्दी में ऐसा ही हो सकता था हेयर स्टाइल और मेकअप। एनीवेज अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।